वेलकम टू इंडिया स्टडी दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर वीडियो साथ ही साथ आपको यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जी के दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधाराओं के प्रसार का श्रेय जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले समाजवादी विचारधारा का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पश्चात शिक्षा को। ठीक है, शिक्षा को। बी है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को। सी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। और डी है ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पश्चात शिक्षा को जाता है इसका श्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन इस सन में हुआ था। ठीक है, किसान सभा गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका फरवरी 1931, मार्च 1929, जनवरी 1933 और अप्रैल 1932। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन को इसका एक ऑप्शन को कट कर देता हूँ और इसका हो जाएगा आप लोग इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है, तो आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 4 मार्च 1928 को। ठीक है, 4 मार्च 1928 को बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ठीक है, 1930 के जो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो किस शहर से यहाँ पे अंग्रेज कुछ दिनों के लिए गुल हो गए थे? ऑप्शन है पटना, साहिबगंज, बढ़ी, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर बढ़ी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले 4 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के माध्यम था। ठीक है, ऑप्शन है राजकीय संसाधन को, बी सामाजिक स्थिति को, सी राजनीतिक स्थिति को और डी सांस्कृतिक स्थिति को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति को। ठीक है, आर्थिक स्थिति को राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो किसके अभाव में? गांधी जी से पूर्व। ठीक है, अनुपस्थिति में अभाव देखी जा सकती है। ऑप्शन है एकीकृत समुदाय, बी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिवजन, ठीक है बी और चरमपंथी समूह, डी वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कौन सी जाति नहीं थी? ऑप्शन भूमिहार, राजपूत, ठीक है कांस्यसत, डी कुर्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, कुर्मी जाति जो थी वो नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो ऑप्शन है इसका कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी और साम्यवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, आपको पता है जयप्रकाश नारायण के नाम पे पटना में हवाई अड्डा भी है। उसके बाद अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक के समय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना जो है उसमें कितने वार्ड है? ऑप्शन 57, 67, 64 और 59। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 59, पटना महानगर पालिका में 59 वार्ड्स है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन है समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और साम्यवादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी थे। ठीक है, समाजवादी ए राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को ऑप्शन है बांकीपुर जेल,
कैंप जेल, सी भागलपुर जेल और डी हजारीबाग जेल। तो जगत नारायण जी को, ठीक है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ठीक है, पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था? ए है इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर डॉन, प्रभाकर और ठीक है डी है डॉन। तो कौन से अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है यहाँ पे, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुल्क कहाँ लगाए गए थे? योगेंद्र शुल्क कहाँ लगाया गया? तो ऑप्शन है रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पटना। पटना में 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुल्क लगाए गए थे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है यहाँ पे, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? ऑप्शन है बक्सर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो ये तो आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी क्या है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी देव, ठीक है, देवदूतों की भूमि भूमि और सी है आर्य प्रदेश और डी हरियाली का प्रदेश। तो बिहार शब्द का मूल रूप है, ठीक है, ए बौद्ध मठ, इसका मूल रूप मूल अर्थ होता है बिहार शब्द का। उसके बाद अगला चलते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, बी बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, डी बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार में कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, पहले था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, बिहार की मुख्य कौन सी फसल है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का, बी गन्ना, चाय, जौ, सी मूंगफली, कॉफी, गेहूं और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कहीं कहीं चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसमें मुख्यतः तो कौन सी फसल होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का जो है बिहार की मुख्यतः खाद्यान्न फसलें हैं। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? झारखंड राज्य जब बना तो तब बिहार में कितने जिले रह गए थे? तो दोस्तों आपको पता है तब तो 37 थे, लेकिन अभी कितना हो गया बिहार में? 38 जिले बिहार में रह गए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या क्या प्रतिशत है? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 9.33, ठीक है, उसके बाद 10.20, उसके बाद है 16.44, उसके बाद है 8.04। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो दोस्तों हिसाब से ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.07 2011 के जनगणना के अनुसार 8.07 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।